अगर आपके स्मार्टफोन में हम स्पाईवेयर नहीं खोज दिए ना तो इस वीडियो के एंड में अपना चैनल जरूर डिलीट कर देंगे। और मे भी जिस स्पाईवेयर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो पेगासस हो। पेगासस आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में, मतलब जहाँ देखे वहाँ पेगासस के न्यूज और पेगासस के बारे में रूमर्स फैल रही है। फॉर बेटर कॉन्टेक्स्ट मैंने इस वीडियो को बहुत सारे पार्ट्स में कैटेगराइज किया है जिसको कि आप टाइम स्टैम्प के थ्रू ट्रैवल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पेगासस होता क्या है। तो देखो, पेगासस ये जो वर्ड है ये आया है एक तरह के ग्रीक मिथिकल वर्ड से जिसका मतलब होता है एक फ्लाइंग हॉर्स जो कि उड़ सकता है। और यहाँ पेगासस का मतलब है एक तरह का ट्रोजन हॉर्स जो कि बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकता है और उड़ सकता है। ट्रोजन हॉर्स मतलब आप समझ रहे हो, ये जो बैटल ऑफ ट्रॉय हुआ था जिसमें कि एक लकड़ी का खिलौना था जो कि एक हॉर्स था, उसके अंदर पूरी सेना भरी गई थी और जैसे ही उसको गिफ्ट के तौर पर दिया गया राजा को, राजा ने खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लिया। और बाद में क्या हुआ कि फिर रात में ही सब सेना निकली बाहर खिलौने से और उसने पूरा किंगडम को एक ही दिन में कब्जा कर लिया। अब जो ये जो पेगासस है ये काफ़ी हद तक ऐसा ही है, मतलब आएगा आपका दोस्त बनके, आपको पता तक नहीं चलेगा और फिर आपके स्मार्टफोन पे ही कब्जा कर लेगा और आपसे ही फिरौती मांग सकता है कि भाई पैसे दो मुझे वरना मैं ये डेटा लीक कर दूंगा। तो ठीक है, पेगासस स्पाईवेयर को किसी ने बनाया भी होगा। तो किसने बनाया है, इसको बनाया है NSO ग्रुप ने, जो कि एक इजरायली फिल्म है जो कि टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे रिसर्च करते रहती है और वो तरह तरह के स्पाईवेयर, मेलवेयर, एंटी थेफ्ट वगैरह के बारे में काम करती है। अब मुझे मालूम है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग स्किप करने वाले हैं, अब जो बचे हुए हैं वो इंटरेस्टेड है इस चीज को जानने के लिए। तो भाई अगर आप इसी तरह के टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि हम लोग आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। अब ये स्पाईवेयर क्या क्या कर सकता है इसको हम लोग एक लाइन में समझ लें। तो आपके स्मार्टफोन में आप क्या कर रहे हो, किस समय क्या चला रहे हो, किस समय कहाँ पे हो, क्या खा रहे हो, क्या बोल रहे हो, कैसे दिख रहे हो, पूरा का पूरा ये आपका देख सकता है। मतलब आपका कैमरा, आपका माइक्रोफोन, आपका लोकेशन, आपका ऐप, आपका वेब का सर्चेस, आपका ईमेल, आपका कुकी, आपका डेटा, आपका पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट लिस्ट, साथ में आपके मैसेजेस, व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी कुछ को ये देख सकता है। मतलब अगर सिंपल भाषा में बोले ना तो आपका जो इतना बड़ा स्क्रीन है, आपने किस पिक्सल को किस समय टच किया है इसका डेटा तक ये ले सकता है। तो क्या बोलते हो, पेगासस अपने स्मार्टफोन में डाला जाए ताकि हम लोग और अच्छे से समझ सकें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि देखो पेगासस जो है वो हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग बनाना पड़ता है। ये कॉपी पेस्ट वाला हाल नहीं है कि GTA यहाँ से लिया दोस्त से और अपने कंप्यूटर में GTA डाल लिया। तो ये इस तरह से काम नहीं करता है, आपको हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग कोड करना पड़ता है और इसका जो लाइसेंस है वो बस इजरायली गवर्नमेंट और जिसको NSO ने बेचा है उसके ही पास है और ये पर डिवाइस का चार्ज करते हैं। अब देखो चार्जेस के बारे में इस वीडियो के एंड में बात करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना पैसा लगेगा एक यूजर को टारगेट करने में और कितना पैसा लगेगा 100 यूजर को टारगेट करने में। तो देखो सिंपल सा बात है, आपका NSO ग्रुप आपको लाइसेंस देता है मेनली गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट जिसको अपना ट्रैक करवाना है उसका नाम दे दिया उसने और ये फिर उसको ट्रैक कर सकता है। ये ट्रैक करने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है, चाहे उसको एक कॉल चल जाए, एक व्हाट्सएप मैसेज चल जाए या फिर एक टेक्स्ट चल जाए, इवन एक फोटो चल जाए। ये जो स्पाईवेयर होता है वो होता है जीरो क्लिक स्पाईवेयर, मतलब लिंक पे क्लिक करने का कोई झंझट नहीं। मान लो मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज किया हाय, अब इसमें क्या हो सकता है वायरस, पर हो सकता है भाई स्पाईवेयर जो ये आपका पेगासस है वो कहीं भी घुस सकता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आपके जो ट्रस्टेड सोर्स है वो भी बचे हुए नहीं है, मतलब एप्पल का म्यूजिक हो या फिर आपका आई मैसेजेस हो या फिर आपका गूगल का क्रोम हो या फिर व्हाट्सएप ही क्यों ना हो, ये सभी के थ्रू पेगासस आराम से प्रोपोगेट और ट्रेवल कर सकता है। 2017 में तो कमाल ही हो गया, मतलब कैस्पर्स की हर साल एक समिट करता है जहाँ पे वो मेनली एंटी थेफ्ट, वायरस, एंटी वायरस सब के बारे में बात करता है। इसमें इसने ये बताया कि जितने भी स्पाईवेयर अभी इतने साल तक आए ना, इन सभी का बाप है पेगासस। मतलब क्यों? क्योंकि ये जो आपका जो स्पाईवेयर है ये एंड्रॉयड को रूट करने का तक का पॉसिबिलिटी रखता है और आपका आईफोन का जेल ब्रेक करने तक का पॉसिबिलिटी रखता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पेगासस सिर्फ आईफोन पे आएगा, तो पूरा रिसर्च छोड़ लो, ये एंड्रॉइड पे भी आता है, ब्लैकबेरी ओएस पे भी काम करता है, साइम्बियन पे भी आ सकता है और iOS तो iOS है ही, उस पे भी ये आ सकता है। तो पेगासस के लिए कोई प्लेटफॉर्म मायने नहीं रखता है। अब आप सोच रहे हो भाई कैस्पर्स्की ने इसको पकड़ लिया तो कैस्पर्स्की तो इसको हटा देगा या डिलीट कर देगा या फिर इसको रिमूव कर देगा या फिर बैन कर देगा। तो ठीक है, कर देगा, पर इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, मतलब 99% केस में आपका कोई भी नॉर्मल एंटीवायरस इसको पकड़ ही नहीं सकता है। अब अगर आपने मान लो कि इसको पकड़ लिया कि हाँ इस वाली फाइल में आपका स्पाईवेयर छुपा हुआ है, तो ये स्पाईवेयर इतना तेज है ना कि जब तक आप इसको ट्रैक करने जाओगे ये खुद ब खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में चला जाएगा। तो डेटा कहाँ से लिया, डेटा कहाँ गया, किसी को नहीं मालूम चलेगा।
अब इसराइल का ही एक न्यूज़पेपर है हेरल्ड, मे बी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, इसने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट अपने सबमिट किया 23 अगस्त 2020 को। इसने ये बताया कि एनएसओ ने फाइनली ये जो पेगासस है ना ये सोल्ड कर दिया, बेच दिया है आपके यूनाइटेड अरब एमिरेट को और कुछ गल्फ कंट्रीज को। पर इतना ही नहीं, इन लोगों का तो डेटा सामने आया था पर बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनका डेटा अभी तक सामने नहीं आया, मे बी आपका चाइना भी इसमें शामिल हो, पर ये इंडिया में भी हो सकता है। मतलब देखो, राहुल गांधी का डेटा तो लीक हुआ ही हुआ, साथ में उनके दो और मिनिस्टर मतलब अपोजिशन के और दो आपके बीजेपी मिनिस्टर भी, तो हो सकता है कि इंडिया में भी इसका अटैक इंडियन गवर्नमेंट करवा रही हो। अब समझते हैं कि कहां कहां इसका मिसयूज हो रहा है या फिर कहां कहां मिसयूज हो सकता है। तो 2019 में फेसबुक ने स्यू किया था एनएसओ ग्रुप को कि उन्होंने जान के स्पाईवेयर ये जो पेगासस है उससे अटैक करवाया व्हाट्सएप पे और उससे बहुत सारे लोगों का डेटा किया है ब्रीच या फिर डेटा लिया है। अब वो डेटा क्या किया जा रहा है हमें नहीं मालूम और ये हमारी परमिशन के खिलाफ लिया गया है। और इसी के रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सेकंड, यहाँ पे ये हुआ कि सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं इसका यूज गलत भी हो रहा था। मतलब यहाँ पे कुछ ड्रग कार्टल या फिर बोल सकते हो माफियाज जो कि ड्रग बेचते हैं या स्मगलर, ये मेक्सिकन स्मगलर क्या कर रहे थे कि वहां के जर्नलिस्ट को टारगेट कर रहे थे और वो बोल रहे थे इनको डायरेक्टली कि अगर तुमने मेरे बारे में ये सब छापा। और मेक्सिकन गवर्नमेंट ने तो साफ साफ फिर खुल के बोला कि हम लोग भी अब इसको यूज कर रहे हैं और उनको ट्रैक कर रहे हैं। तो मतलब वहां की गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया कि हम लोग पेगासस यूज कर रहे हैं। अब पर ऐसा ही नहीं कि एक ही जगह ऐसा पेगासस को खुले तौर पर यूज किया जा रहा हो, यहाँ एक और कंट्री जिसका नाम है सऊदी अरेबिया, आप जानते ही होंगे, इन लोग भी ये चीज को यूज कर रहे हैं और इसका असर यहाँ तो बहुत ज्यादा खतरनाक देखने को मिला। मतलब यहाँ पे सऊदी अरेबिया में एक एक्टिविस्ट थे जिसका नाम था कासोगी। अब ये कासोगी क्या करते थे, जितने भी सलमान यानी वहां के जो प्रिंस है उनके खिलाफ ये क्रिटिक थे एक तरह के, मतलब उनका ये पॉइंट्स उठा के उसको गलत साबित करना, उनके खिलाफ बोलना, ये सब करते थे अपने ट्विटर्स के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू। और ये अपने सऊदी अरब को छोड़ के भाग गए थे क्योंकि ये मालूम था कि यहाँ डेमोक्रेसी है नहीं, कभी रास्ते मिलके असैसिनेट कर दिया जाएगा, तो ये भाग गए। अब सलमान जी को आ गया गुस्सा, अब क्या करें, अब सलमान नाम के लोगों को आप जानते ही हो। म्यूजिक इतना ही नहीं, इनके जो बेटे हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान जो कि यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं, इनका और इनके साथ जेफ बेजोस दोनों का जो चैट हुआ था ये भी लीक हो गया था एक समय में, जिसके कारण जेफ बेजोस के शेयर्स जो थे वो बहुत ज्यादा नीचे चल गए थे कुछ समय के लिए, मतलब अमेज़न से शेयर्स। आप सोच रहे हो कि भाई ये मालूम है कि इसने ये वाला स्पाईवेयर बनाया है तो भाई पकड़ो ना इसको, ये एनएसओ वाले को पकड़ो और उसको डालो जेल में। तो इतना सिंपल सा जवाब नहीं है। अब इन लोगों ने क्या जवाब में दिया कि भाई देखो हम लोगों ने गवर्नमेंट के लिए बनाया था ये सब चीज, अब गवर्नमेंट के अलावा कुछ लोगों ने इसका मिसयूज कर लिया तो इसका जिम्मेवारी हम लोग नहीं ले सकते हैं और हमें नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है और हम लोगों ने ऐसा कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया है, मतलब क्लीन इमेज बना रहे हैं। तो यहाँ से एनएसओ बच भी जाती है, बोलती है कि हम लोगों ने तो भाई अपना लाइसेंस दे दिया, वो क्या कर रहे हैं वो जाने। अब आप सोच रहे हो कि ठीक है चलो अपने दोस्त पे करते हैं स्पाई तो ठीक है ले लेते हैं लाइसेंस, तो ज्यादा कुछ नहीं, $5,00,000 सिर्फ इंस्टॉलेशन फी है, ऊपर से $6,50,000 iOS के 10 डिवाइस को ट्रैक करने के लिए, $6,50,000 एंड्रॉइड के 10 डिवाइस को ट्रैक करने के लिए, $5,00,000 सिर्फ 5 ब्लैकबेरी को ट्रैक करने के लिए और $3,00,000 5 साइम्बियन OS को ट्रैक करने के लिए, मतलब सस्ता ही है और इसमें 5,00,000 जोड़ लेना अपना इंस्टॉलिंग फीस। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो करो भाई, अपने दोस्तों को करो ट्रैक। आप सोच रहे हो कि भाई तुमने तो बताया नहीं मेरे स्मार्टफोन में स्पाईवेयर है या नहीं, चैनल डिलीट करना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है, अभी मैं स्पाईवेयर खोल देता हूँ तुरंत के तुरंत। अगर आपने इस वीडियो में यहाँ तक देख लिया है ना तो आप बस एक से दो बार इसी टाइप के वीडियोस को सर्च करके देख लो या फिर क्रोम पे एक बार सर्च कर लो, उसके बाद जरा आप अपने फेसबुक पे जाना तो, या फिर फेसबुक पे नहीं भी जाना तो अपने आप यूट्यूब पे ही जाना तो, और अगर चलो ये नहीं भी कर सकते हो तो अमेज़न पे जाकर थोड़े से कोई जूते वूते देखना तो पूमा वगैरह के, और फिर फेसबुक चलाना तो या फिर इंस्टाग्राम। तो ये सभी कुछ, मतलब ये सभी कुछ इंटर रिलेटेड सा है और इन सभी के बारे में अगर वीडियो बनाई जाए तो 1-2 घंटे कहीं नहीं जा रहे हैं। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि किस तरह से आपको ये स्पाईवेयर आपके स्मार्टफोन पे अटैक करता है, किस तरह से ये घुसता है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो क्योंकि मेरे पास पूरा डेटा है और मैं आपको बताने के लिए रेडी भी हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और मैं मिलता हूँ आपने नेक्स्ट वीडियो में।